में ठंडा मौसम है और मजा भी बहुत आएगा। इतनी धूप, कोई बात ही, 2 बज गए तो फिर क्या हुआ। आ जाओ चलिए, सामने रक्षा और क्रॉसिंग है तो मैं बताऊं। हम ये एंजॉय करते जा रहे हैं आज तक। ये देखिए जी, मम्मा बिस्किट खोल रही है अपना। हां जी मैं बिस्किट खोल रही हूं। सब ने अपनी अपनी चीजें खोल ली, तो मैंने कहा मैं भी कौन की खोलूं। इन्होंने खा के फिर मुझसे मांगना शुरू कर दिया। बाद के करीब 3 किलोमीटर यहाँ से जी, सात का पास कितना है? 11 किलोमीटर। यहाँ से 11 किलोमीटर है जी। अच्छा जी, सात का पास 3 किलोमीटर दूर है जी। माशाल्लाह पहुँच गए हैं जी तकरीबन। सांस तो नहीं ले रहे, मैंने कहा चलो दिखा दे मैन भाई को भी कितना दूर है हम साथ का पास। चले तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं। तो ये गेट है भाई वालों का, गाड़ी हमारी आ गई है। पहुंच गया जी, मुबारक हो जी। ये हमारी रोटियां लग चुकी हैं। वो भाई चला ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, बाद रहे, फूलों की रास्ते बंद करते रहे। सुबह सुबह का टाइम है जी, आज जुम्मत मुबारक का दिन है। आप सब बहन भाई को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो जी। घर से निकल आए हैं तो बाबा गाड़ी चला रहे हैं, रियान भाई इधर बैठे हुए हैं, मम्मा इस साइड पे बैठी हुई है। तो साथ में जा रहे हैं तो अपने सफर भी रवा दवा हो गए। हाँ जी, सुबह सुबह के टाइम पे ठंडा मौसम है और मजा भी बहुत आएगा। इतनी धूप, कोई बात ही, 2 बज गए तो फिर क्या हुआ। तो अपनी सवारी कौन सा किया, कहीं बस में जा रहे हैं? अभी गर्मी बहुत है, हवा चल रही है, चलते जा रहे हैं, हवा लग रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौक पे पहुंच गए जी, वो चाचा खड़ा चाय पी रहा है उधर, तो हम ये भी निकलने लगे हैं। आ जाओ चलिए। ये खानपुर पहुंच चुके हैं, जो दादू हाजी हमारे साथ हैं उनको रहीम यार का छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे साथ का बाद। तो ना ये रेलवे लाइन फिर सामने आ गई है, ये देखें, ये पार्क है, सिटी पार्क है, शहर में का मशहूर पार्क सिटी पार्क। तो माशाल्लाह जी हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा है। तो साझा हमने क्रॉस कर लिया, आगे कोर्स में आने वाला है। तो यहाँ से अभी रहीम यार खां 28 किलोमीटर है, तो उससे आगे फिर हमने सादकाबाद जाना है। तो वो सामने बोर्ड आ रहा है खानपुर का, जब यानी कि रोड के ऊपर जो बोर्ड लिखा होता है ना, साइन बोर्ड, कौन सा शहर कितने किलोमीटर है, वो भी आपको दिखाते हैं कौन से बोर्ड के पास हम पहुँच गए। ये देखें जी, एसी कोच ने क्रॉस किया, ये जगह जगह ठंडे पानी वालों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, ये गाय इधर लेके जा रहे हैं, चरवाहे लेके जा रहे हैं इनको चराने के लिए। जैसे अभी कोई ऐसी ज़मीन खाली है तो नहीं जहाँ पे इनकी कोई चरने की जगह हो, इनको चारा चुगने की जगह हो, अगर फिर भी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं लेके इनको नहर के किनारे। जैसे ये नहर है बड़ी अब्बासिया नहर जो है अड़तल्ले वाला से आती है ना, ये वो नहर है बड़ी, ये इधर रोड के साथ साथ जाती है। ये आ गया जी बोर्ड, आ गया जी कोटसमाबाद ठंडा स्वायता और रहीम यार का, ये सामने रक्षा और क्रॉसिंग है। तो मैं हम जी रहीम यार का शहर में पहुंच गए हैं, तो रश बहुत ज़्यादा है, तो आगे ट्राली जा रही है, ट्रैक्टर ट्राली। अच्छा ये देखिए, और ये जी इधर माशाल्लाह फ्रूट भी पड़ा हुआ है। अस्पताल पहुंच चुके हैं, शेख जायद अस्पताल है, रहीम यार का सबसे बड़ा अस्पताल है ये देखें। अब दादू को इधर उतारेंगे, फिर हम जाएंगे साथ का बाद। ये जी हमने लिए हैं बिस्किट, लेस बिस्किट लिए, मैंने बिस्किट लिए है क्योंकि मुझे लेस वगैरह अच्छे नहीं लगते, मेरा गला खराब है, तो बच्चों ने लेस लिए हैं, ये हमारे भी लिए हैं। हम ये एंजॉय करते जा रहे हैं आज तक। ये देखें, ये देखें जी, मम्मा बिस्किट खोल रही है अपना। हाँ जी मैं बिस्किट खोल रही हूँ, सब ने अपनी अपनी चीज़ें खोल ली, तो मैंने कहा मैं भी खोल के खा लूँ। इन्होंने खा के फिर मुझसे मांगना शुरू कर दिया। तो सामने भी अपना बिस्किट लिया है, इंजॉय कर रहे हैं सब। अब दादू को उतार दिया है, सब खुले डुले और मजे ले रहे हैं। दादू कहते चुप, सारे चुप बैठे थे, चाचा जी का पता कर लिया है, तो अब जा रहे हैं। दादू को उधर छोड़ा है, मैं अम्मी नीचे उतर कर हमने भी पता किया उसका, तो उसकी सेहत काफ़ी ख़राब है, अल्लाह तला उसको सेहत आप सुखी दे। हाँ भी सुबह
हम जी सादकाबाद से बस थोड़ी दूर हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर हैं जी हम सादकाबाद से। सादकाबाद पहुंचने वाले हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है जी, बीचों बीच जाता है यहाँ पे खेतों के साथ, और ये देखें रेलवे लाइन भी साथ साथ जा रही है। हाँ जी रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे हैं। हाँ जी अगर रेलवे लाइन के ऊपर ये चलता ना तो फिर उसके ऊपर ही चला के जल्दी पहुँच जाते हम, पर उधर चलता नहीं है। ये जी सादकाबाद से मेरा ख्याल है तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर पीछे हैं हम। ये देखें जी ये पहुंच गया जी हम सादकाबाद के करीब 3 किलोमीटर यहाँ से जी। सादकाबाद कितना है? 11 किलोमीटर है जी। अच्छा जी सादकाबाद 3 किलोमीटर दूर है जी। माशाल्लाह पहुंच गया जी तकरीबन। सांस तो नहीं ले रहे? मैंने कहा चलो दिखा दे मैन भाई को भी कितना दूर है हम सादकाबाद से। ये जी सादकाबाद की लक्कर मार्केट है, यहाँ पर दरवाजे कुर्सियाँ ये बनती हैं। ये देखें जी ये जी सादकाबाद शहर है, हम जा रहे हैं। थोड़ा सा सफर रह गया बस, मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर रह गया सफर। वो 3 किलोमीटर ही रह गया। यानी कितना रहता है? पहुंच गए घर, पहुंच गया थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है घर, पहुंच गए घर पहुंच चुके हैं, तो बस इंतजार है। हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं। तो ये गेट है भाई वालों का, गाड़ी हमारी आ गई है, पहुंच गया जी। मुबारक हो जी, मामू के घर पहुंच गए, मामू जैद के घर आए जी। बेगम साहब आप भी नमाज जोहर पढ़ ली है जी अभी हमने। इधर सादकाबाद शहर में खड़े हैं जी, इधर रोटी लगवाने आए हैं तंदूर पे। यहाँ से मेहमान काफ़ी हैं तो रोटी फिर पहले तंदूर पे लगवा लें, कल को तो प्रोग्राम है हमारा शादी का तो मेहमानों के लिए रोटी दस लगवा रहे हैं। गर्मी बहुत है, हवा भी चल रही है फिर भी गर्मी बहुत लग रही है। देखें जी ये हमारी रोटियाँ लग चुकी हैं, वो भाई जहद खड़ा है सामने मोटरसाइकिल पे। ये बाजार जा रहे हैं तो रात को ना बिजली चली जाती है, तो जनरेटर उठाने जा रहे हैं हम, इधर से पेट्रोल डलवाएंगे फिर जाएंगे हम बाजार। हम जी बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं, तो ना सड़क खराब है तो जिसकी वजह से ना जंप लग रहे हैं। सादकाबाद का मेन चौक है, सड़क खराब होने की वजह से ना जंप बहुत लग रहे हैं। ये देखें रश देखें कितना ज़्यादा है। दुकान पर पहुंच चुके हैं, ये देखें जी ये जनरेटर लिया किराए पर, अंदर रख रही है गाड़ी के अंदर। ये देखें आम का टाइम है जी, हम सादकाबाद चौक पे आए हुए हैं, यहाँ से जनरेटर उठाना गेट उठाया है। तो देखें बहुत रश है माशाल्लाह, ट्रैफिक बहुत है, इतना माशाल्लाह रश है। सादकाबाद का ये मेन चौक है, आप चला आ रही हो रक्षा? अच्छा जी ये कौन सी बोतल? कहाँ रंग बिरंगी? अच्छा वो रंग बिरंगी बोतल है, वो कौन सी पीने वाली है? गंदी बोतल है। फ्रंट भी बन रही है वीडियो, बैक भी बन रही है, दोनों कैमरे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ बढ़िया खुश रहें, बाद रहें फूलों की रास्ते बरकत रहें। सुबह सुबह का टाइम है जी, आज जुम्मा मुबारक दिन है, आप सब बहन भाई को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो जी। हैं जी हमारे अबू बकर साहब और साथ में खड़े हैं अब्दुल शकूर साहब, क्या हाल है जी? ठीक हैं। ये जी अबू बकर साहब हमाद के मामू का बेटा है, और ये अब्दुल शकूर साहब भी, और ये हमारे साथ खड़े हैं जी। अंदर है भाई मुर के साथ बैठा है, गाड़ी हमारी हमने बाहर निकाल दी, इधर खड़ी थी रात अंदर गिराज में, तुम बच्चों ने इतना गली में खड़ी गाड़ी को सत्यानाश कर दिया, मट्टी मट्टी कर दी सारी गाड़ी। कितने बच्चे बैठे हुए थे इधर, अंदर का हाल देखना। हाँ अंदर देखेंगे, अंदर मट्टी मट्टी कर दी सारी गाड़ी। ये देख क्योंकि घर में फिर जगह नहीं ना, गिराज छोटा है तो फिर मोटरसाइकिल वगैरह निकालने होते हैं। तो ये है जी सादकाबाद की अलियास कॉलोनी, गली नंबर 9 है। अच्छा जी रियान साहब आ गए हो, उठ गया नमाज पढ़ी आपने?
चलें शुक्र है नमाज पढ़ी इसने बड़ी है इसका चित्र बड़ा चित्र लगा फिर नमाज पढ़ी है हां जूं तो लगने चाहिए नमाज के लिए नहीं पढ़ता उसको। सादकाबाद में सुबह सुबह का नज़ारा देखें, छत के ऊपर लेटे हुए तो ये सामने टावर लगा, रात इतनी तेज़ आंधी चली, बारिश भी आई थी हल्की हल्की, ऐसे लगता था जैसे ये टावर ना ऊपर ही गिर जाएगा, इतना शोर करता था ये। सब प्लटून पार्टी जा रहे हैं पानी लेने के लिए, पांच कैन है ये देखें जी, एक ये अबू बकर और ये अब्दुशकूर नाहिल और भाई इधर बैठा हुआ है, तो आगे भाई उमर और पापा बैठे हुए हैं, सारे ने जी अपने कैन झोलियों में ले लिए हुए हैं, ये देखें जी पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है, ये देखें होती तो हम नीचे पैर रख लेते, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है ना नाहिल जी। वालेकुम सलाम। तो हम जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे अली मोबाइल एंटरप्रेन्योर, यहाँ से पानी लेने आए हैं, चलेंगे और ही कहने इधर पड़े हैं कुछ अंदर। भाई मत भाई से ड्रिंक होता है इनकी टॉक वगैरह ऊपर से। ये जी यहाँ पे फिल्टर प्लांट का सिस्टम किया हुआ है पानी का, जहाँ से हम पानी भरने के लिए आए हैं सादकाबाद से, तो इधर मैं वन एक रुपये लीटर देते हैं पानी, 30 रुपये का केन भर के देते हैं, ये वाला केन जो 30 रुपये का, बहुत अच्छा सर सेटअप किया हुआ। हाँ भाई आप ही अंदर आ गए सारे, चले आप बाहर। ये मशीन लगी हुई है, पैनल बोर्ड, फिल्टर पंप, ये टैंक पड़े हुए पानी वाले, पड़े हुए टैंक, ये देखिए ये टैंक पड़े हुए, एक दो तीन चार टैंक पड़े हुए हैं पानी वाले बड़े बड़े, बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। ये सादकाबाद शहर, जल्दी जल्दी पानी भरवा लें फिर चलें। ये है जी पकवान सेंटर, यार